हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज दिनांक है 23 अगस्त 2019। तो चलिए देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल है, इनमें से किस बैंक ने प्रोसेसिंग फी माफ करने और प्री अप्रूव्ड डिजिटल लोन के लिए कई घोषणाएं की है? तो पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या फिर केनरा बैंक ने, या फिर यस बैंक ने, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जो स्टेट बैंक है वो हाल ही में प्रोसेसिंग की फ़ी माफ करने और प्री अप्रूव्ड डिजिटल लोन के लिए कई घोषणाएं भी की है, और बैंक ने कार लोन प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लेने और होम लोन, एजुकेशन लोन और ब्याज दर को लेकर कई घोषणाएं भी की है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पहला है पंजाब की, या फिर गुजरात के, या फिर केरल के, या फिर मध्य प्रदेश के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश के। जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और वे लंबे समय से बीमार थे, और वे वर्ष 1974 से लेकर 2013 तक दक्षिण भोपाल और गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार विधायक रहे थे। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करते हुए कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई है? तो पहला है 15 मंत्रियों को, या फिर 18 को, या फिर 23 को, या फिर 28 मंत्रियों को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23 मंत्रियों को। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करते हुए 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई है, और जिनमें 18 नए चेहरे हैं, यानी कि 18 नए आदमी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, इनमें से किसने डीएलएफ के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पहला है संजय वर्मा ने, या फिर केपी सिंह ने, या फिर संदीप सिंह ने, या फिर विवेक शर्मा ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केपी सिंह ने। जो केपी सिंह है वो हाल ही में डीएलएफ के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन वे अब कंपनी में गैर कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। और जो केपी सिंह है उनका जन्म 15 अगस्त 1931 को हुआ था, और उन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल है, सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के जो कर्मियों के लिए किसने सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष तक की है? यानी कि जो अर्धसैनिक बलों में जो सभी रैंक के कर्मियों के लिए किसने सेवानिवृत्ति आयु जो है 60 वर्ष की तय कर दी है? तो पहला है सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने, या फिर केंद्र सरकार ने, या फिर नीति आयोग ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार ने। जो केंद्र सरकार है वो हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 60 वर्ष तय की है, और यह फैसला सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल में लागू होगा। उसके बाद छठवां नंबर सवाल है, नामीबिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो कि हैं जेपी कोटेज, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खाली जगह खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहला है पहले खिलाड़ी, या फिर दूसरे, या फिर तीसरे, या फिर चौथे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। जो नामीबिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं जेपी कोटेज, वो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने नामीबिया और बोत्सवाना के बीच हुए टी20 मैच में 43 गेंदों में 101 रन बनाए, और इस पारी में उन्होंने 9 छक्के और 7 चौके लगाए, और इसके दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट वो 234.88 का रहा है। उसके बाद सातवां नंबर सवाल है, वेस्टइंडीज टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 का बेस्ट टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है? तो पहला है क्रिस गेल को,
या फिर जेसन होल्डर को, या फिर आंद्रे रसेल को, या फिर साई होफ को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेसन होल्डर को। जो वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन है जेसन होल्डर, उनको वर्ष 2019 का बेस्ट टेस्ट खिलाड़ी और साई होप को वनडे का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है, और साथ ही कीमो पोल को T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद रखीम कोर्नवाल को वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। उसके बाद आठवां नंबर सवाल है, इनमें से किस देश ने विवादित फील्ड कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सवेंद्र सिल्वा को नया सन कमांडर नियुक्त किया है? तो पहला है चीन ने, या फिर अमेरिका ने, या फिर अफ्रीका ने, या फिर श्रीलंका ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीलंका ने। जो श्रीलंका है वो हाल ही में विवादित जो फील्ड कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सवेंद्र सिल्वा, उनको नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है, और श्रीलंका के इस फैसले पर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल सवेंद्र सिल्वा है और उनकी विग्रेट पर आम नागरिकों, अस्पतालों और फंसे हुए तमिल नागरिकों को की जा रही रसद आपूर्ति रोकने का आरोप है। उसके बाद नौवां नंबर सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो पहला है न्यूजीलैंड हॉकी टीम ने, या फिर ऑस्ट्रेलिया हॉकी टीम ने, या फिर अफ्रीका हॉकी टीम ने, या फिर जापान हॉकी टीम ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूजीलैंड हॉकी टीम ने। जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उन्होंने न्यूजीलैंड हॉकी टीम को ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट में हराकर 5-0 से हराकर खिताब जीत लिया है, और जो फाइनल मुकाबले में भारत के हरमनप्रीत सिंह और शमशेर सिंह, नीलाकांता शर्मा और गुरसाहिब जीत और मनदीप सिंह ने गोल किए हैं। उसके बाद लास्ट सवाल है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती करने के उद्देश्य गए हैं? यानी कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो किस देश की यात्रा पर जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती करने के उद्देश्य गए हैं? तो पहला है अमेरिका के, या फिर रूस के यात्रा पर, या फिर चीन के, या फिर बांग्लादेश के यात्रा पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश की यात्रा पर। जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती करने के उद्देश्य गए हैं, और ये दोनों देशों के बीच एक ही महीने के अंदर यह दूसरी उच्च स्तरीय बातचीत होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और जॉब न्यूज के लिए हमारे ज्ञान फॉर यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।